3, 2, 1. लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने आयोजित की प्रेस वार्ता, मोदी सरकार के 6 वर्ष पूर्व होने पर बताई उपलब्धियां। अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने आज केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस दौरान जो पीएम ने देश हित में फैसले लिए वो सराहनीय है और उनके फैसलों से देशवासियों का हौसला बढ़ा है। चौधरी ने कोरोना काल में मोदी के लिए किए गए निर्णय व कार्यों का बखान करते हुए इसे देश हित में बताया। साथ ही चौधरी ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मदद देने के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए बेहतर कार्य नहीं किया। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आयोजन रखा गया है। 2014 से 19 तक पिछले 5 साल में जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने देश भर में जो विकास के कार्य किए हैं और उसी का परिणाम है कि 2019 में दोबारा कई दशकों बाद पूर्ण बहुमत से गैर कांग्रेस सरकार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से इस देश में सरकार बनी, उसको 1 साल पूर्ण हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतसिंह जी आड़ा साहब, हमारे दोनों महामंत्री और पूर्व महापौर संपत जी सागला साहब, भाई श्री रमेश जी सोनी साहब, मोहल साहब और विक्रम सिंह जी, ये हम सबके बीच में आए हैं। जो 1 साल के अंदर उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, अब पहले उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने 5 साल काम किया। अब की बार उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लक्ष्य को लेकर उन्होंने 1 साल जो कार्य किए हैं, बहुत जो कई दशकों में नहीं हो सकते थे जो निर्णय उन्होंने वो निर्णय लिए देश हित में। नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे शख्सियत है और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना महामारी में हमारा 130-135 करोड़ की जो जनता है मोदी जी पर विश्वास करके, चाहे जनता कर्फ्यू का मामला हो चाहे लॉकडाउन हो, अक्सर पूरे देश की जनता ने उसका पालना की और उसमें चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे मीडिया के भाई हो, सबने जो योगदान दिया है वो बेमिसाल है। दूसरा, हमारी देश की संस्कृति है, जब जब भी हमारे देश में विपदा आई है तब तब भी यहाँ हमारे भामाशाहों ने, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हमारे विचार परिवार ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो इस कोरोना महामारी में गरीब को गणेश मानकर जन कल्याणकारी जो कार्य किए हैं जो 75 दिन में, उसी का परिणाम है कि चाहे हमारे अजमेर लोग, अजमेर शहर हो, अजमेर लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पूरे देश में, आज हम काफ़ी हद तक, क्योंकि कई जो दूसरे कंट्री है हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के बराबरी उनका क्षेत्रफल नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से ही जो हमारे जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उतनी उन देशों की संख्या नहीं है,
और 130-135 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम इस कोरोना महामारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। और जो मोदी जी ने इस देश का गौरव बढ़ाया, जो आपके सामने उन्होंने इस कोरोना महामारी में जब सारी अर्थव्यवस्था हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की चौपट हो गई है, ऐसी स्थिति में हमारे देश की जीडीपी का 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे मजदूर से लेकर व्यापारी तक, चाहे युवा से लेकर महिलाओं तक, सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और देश को उठ खड़ा होने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वो एक सराहनीय है। परंतु इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की इतनी राज्य सरकार को मदद देने के बाद भी, अभी मैंने आपको बताया, मैं यदि उसको मैं आपको दे दूंगा वो, परंतु आंकड़े सारे, परंतु राजस्थान सरकार को हर रूप में, चाहे अनाज के रूप में, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में, चाहे जनधन खाते के रूप में, चाहे उज्ज्वला योजना में, चाहे हर क्षेत्र में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए दिए, परंतु यहाँ की राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ी गलती करी, उन्होंने जो निर्णय हमेशा द्वंद्व में रहे, कौन कभी क्या आदेश देते हैं, और दिन को तो आदेश देते हैं कि प्रवासी राजस्थानों को लाना है, और रात को फैसला लेते हैं कि राजस्थान की सारी सीमाएं सील कर दी जाए। इसलिए इस देश में सबसे बड़ा कोई जनमानस को संकट आया तो राजस्थान में आया। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के भाई हो, आपने देखा होगा पैदल यात्री हिंदुस्तान में सबसे कोई ज्यादा चले तो राजस्थान में चले। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की भरपूर सहयोग देने के बाद भी हमेशा हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान की हमेशा केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं, जबकि हर क्षेत्र में इतना बजट दे रहे हैं वो, कि उससे ये राजस्थान इस कोरोना महामारी की वैश्विक महामारी से उबर सकता है। दूसरा मेरा ये कहना है, यहाँ चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे यहाँ शिक्षक वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, उनमें आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहा है, और तो और है, हमारे यहाँ के जो SHO है, जो थाना इंचार्ज है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है वो आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये राजस्थान सरकार सिर्फ करती कुछ नहीं है, श्रेय लेना चाहती है। मैं जल्द जो जीवन मिशन की बात करूं, जल के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोकसभा के अंदर उन्होंने घोषणा करी है कि 2024 तक ऐसा कोई नहीं घर बसना चाहिए जिस घर में नल नहीं हो, और नल हो तो उसमें जल नहीं हो। परंतु दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार इसमें कोई खास तोजा नहीं ले रही है, 75% राशि केंद्र सरकार दे रही है, पर हम राजस्थान सरकार कह रही है हमारे को तो 90% दो। अरे भाई, तुम तो फिर ये कह दोगे 100% दो तो तुम क्या कर रहे हो, श्रेय तो लेना तुम चाह रहे हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे हर शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार पैसे दे रही है, और झूठे श्रेय लेने के लिए राजस्थान सरकार आगे आ जाती है, काम कुछ करती नहीं है। इस कोरोना महामारी में इन्होंने बहुत बड़ी, मैंने जब VC भी थी मुख्यमंत्री जी को कहा, आप क्वारंटाइन कर रहे हो, 2440 रुपए वसूल कर रहे हो उसके नाम से, आप उनको बराबर पानी भी नहीं पिला रहे हो। कितने मुझे पता है, कई क्वारंटाइन हुए, उनके घर से उनके भोजन जा रहा था, भामाशाह दे रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भोजन के पैकेट हो चाहे खाद्य सामग्री हो पहुँचा रहे थे, हमारे भामाशाह, हमारे विचार परिवार। इतना करने के बाद आपने देखा कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस लॉकडाउन में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर
चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारी हो, सभी ने ऐसा कार्य किया है, अरे उसके फलस्वरूप आम जनता के दुख दर्द को हम संबल दे पाए। मैं उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, भामाशाहों का, हमारे विचार परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ करो, झूठे श्रेय लेने की कोशिश मत करो। जो राजस्थान सरकार जो इमदाद दे रही है उसको तो खर्च करो, उसको भी खर्च नहीं कर रहे, हर जगह रोड अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज मैं यही कहना चाहूँगा, अभी बिजली की बात आई थी, बिजली में जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें 90,000 करोड़ रुपये पूरे देश में बिजली व्यवस्था को संबल देने के लिए पूरे देश में दिया। उसके अंतर्गत 4,443 करोड़ रुपये जो तीनों डिस्कॉम में जयपुर, अजमेर और जोधपुर, उन डिस्कॉम को 4,443 करोड़ रुपये दिए। क्या गहलोत जी की ड्यूटी नहीं बनती है कि 3 महीने जो उद्योग बंद थे, किसानों को वो कुएं पे नहीं जा रहे थे, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, कोई भी है, चाहे मीडिया कर्मी है, उसको ऑफिस नहीं खोल रहे थे, फिर उनके बिजली के बिल ले रहे हैं, कहाँ का ये न्याय है? और उनकी नेता प्रियंका जी कह रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि 3 महीने का बिजली माफ करो, पहले खुद तो करके देखे, सरासर अन्याय है। जबकि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन किया है, 4,443 करोड़ रुपए तीनों डिस्कॉम को दिए। मैं मांग करता हूँ कि 3 महीने के, और 31 मई तक इन्होंने कहा कोई हम पेनल्टी नहीं लेंगे, सैकड़ों ऐसे बिल में बताऊं जो 31 मई के पहले बिलों का भुगतान किया फिर भी उनके पेनल्टी लगा दी। इसलिए ये राज्य सरकार फेलियर है, राज्य सरकार ने धोती भाई भाई लूटने की कोशिश करी है, धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। और तो और है, जो क्वारंटाइन जो किया है उनके नाम पर भी उन्होंने लूट खसोट की है, और पूरे राजस्थान में पूरे ईमानदारी से उनको जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया। नरेंद्र भाई मोदी जी है जिन्होंने पूरे प्रदेश में आम जन के लिए उन्होंने कार्य किया है। इसके लिए आज सभी मीडियाकर्मी भाई आप आ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी की वारदात फिर सामने आने लगी है, इसी के तहत आज अलूरगिर थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने एक ऑनलाइन साइट पर एक मोबाइल खरीदा था और मोबाइल कैशबैक की बात कही और कंपनी के द्वारा एक लिंक भेजा गया। लिंक खोलते ही कुछ देर बाद पीड़ित के खाते से पैसे निकलने शुरू हुए और उसके खाते से करीबन 45,500 रुपए निकल गए। पीड़ित ने अलवरगेट थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। सर, मैंने 4 तारीख को easyphone.com के फोन बुक कराया था। 6 तारीख को मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा कि सर मेरी डिलीवरी कब तक हो जाएगी फ़ोन की, तो उन्होंने मेरे को यही बोला, बोले सर आपकी डिलीवरी तो शो हो नहीं रही है तो आप अपना रिफ़ंड दोबारा ले लीजिए। तो मैंने ठीक है, तो उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा, उसके अंदर वो अमाउंट डालना था 4,499 रुपये, तो और आपका अमाउंट आ जाएगा। तो मैं ठीक है, तो उन्होंने बोला 24 घंटे में अमाउंट आ जाएगा। तो फल 7 तारीख को मैंने सुबह 9 बजे फ़ोन करा उन्हें, फ़ोन करने पर मैंने उनको ये बोला, तो उन्होंने बोला आपका 10 बजे तो अमाउंट आ जाएगा। उसके 15 मिनट बाद ही मेरा अकाउंट के 20,000 रुपये निकले और 1 मिनट बाद ही 21,000 रुपये निकले। मेरे टोटल 45,500 रुपये खाते का खत्म हो चुका। कौन सा ऐप डाउनलोड किया था? easyphone.com ऐप है और गूगल पे वेबसाइट है। अभी भी आप खोलोगे अपने फ़ोन में तो सबों के फ़ोन में कुछ चल दिया हुआ। कंप्लेंट करी आपने? कंप्लेंट मैंने कल ही कर दी थी हाथों थाने में, अलवरगेट थाने में। अच्छा, आपके साथ हुआ ऐसा ठगी, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को? सर, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि ऑनलाइन पे ज्यादा विश्वास। छात्रों का अनोखा ज्ञापन, खुद के ही खून से लिख दिया मांग पत्र। शिव प्रकाश गुजर प्रदेश महासचिव NSUI ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अजमेर जिला कलेक्टर को दिया। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के छात्र जो यहाँ रूम किराए पर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, किराया माफी के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 3 महीने का किराया माफ किया जाए। साथ ही जो प्राइवेट स्कूल वे अपनी मनमानी से फीस वसूल कर रही है, वही अपनी 3 महीने की स्कूलों की फीस माफ करें। जी सर, आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के जो छात्र हैं जो यहाँ रूम ले लेके पढ़ाई कर रहे हैं,
उनका किराया माफ़ी के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो सरकार उनसे अपने मकान मालिकों से वार्ता करें और इन जो जो गरीब परिवेश के छात्र हैं इनकी जो इसलिए अपने कमरे का किराया माफ़ करें। साथ ही हमने जो स्कूल प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी से फीस वसूली कर रही है, जबकि आज गरीब परिवार के लोग, सामान्य परिवार के लोग, आज जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, उसके चलते लोगों के पास रोजगार नहीं है, पास में पैसे नहीं है, तो वो अपने बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज हमने अपने मेरे खून से आज मैंने लेटर लिखा है, उसमें हमने मांग की है विशेष कि जो जो भी ग्रामीण परिवेश के जो सामान्य छात्र हैं उनका रूम रेंट 3 महीने का परमानेंट फ्री हो और साथ ही जो निजी विद्यालय हैं वो अपनी 3 महीने की फीस माफ़ करें। शिवप्रकाश गुजर, प्रदेश महासचिव एनएससी, पूर्व शासन अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय अजमेर। अजमेर में आज भाजपा के बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत की गई, जो आज से 14 जून तक आयोजित किया जाएगा। अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा वैशाली नगर जनता कॉलोनी स्थित दीनदयाल पार्क में इस अभियान की शुरुआत की गई। देवनानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूर्ण होने पर हम जन जन तक उसके द्वारा किए गए कार्यों की गणना करेंगे, जिसके लिए आज एक अभियान की शुरुआत पूरे देश में की गई। आज से पूरे देश भर में और राजस्थान में बूथ संपर्क अभियान प्रारंभ किया रहे हैं। वह 8 जून से 14 जून तक चलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दो दो तीन तीन की टीम में हर बूथ पर घर पे जाकर के संपर्क करेगा और संपर्क में प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पूरे 6 वर्ष और विशेष रूप से उनके इस दूसरे शासनकाल में 1 वर्ष के अंदर जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वे, और कोरोना के कारण जो उत्पन्न परिस्थिति जिसमें हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसके लिए हम सबको मानसिक दृष्टि से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, इस प्रकार का संदेश हम लोग देंगे। और जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का हमको पैकेज दिया, उसमें आम व्यक्ति के लिए उसमें क्या क्या हुआ, और साथ में मोदी जी ने जिस प्रकार से विश्व के अंदर भारत का झंडा फहराया है और वर्षों पुरानी जो हमारी समस्याएं थी, मुद्दे थे, जिसमें राम मंदिर का भी मुद्दा है, जिसमें धारा 370 का भी मुद्दा है, 3 तलाक का भी मुद्दा है, ऐसे मुद्दों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और आगे आने वाले समय में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन करके आगे खड़ा हो, हम हमारा रोल अदा करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें ताकि भारत को। उपाज्ञापन। अजमेर में 24 घंटे के अंतराल में किए जाने के बाद पेयजल आपूर्ति दिए जाने के संबंध में पानी की समस्या को लेकर सब धर्म के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, बोला कि बिसलपुर में बहुत पानी है, 24 घंटे भी पानी दिया जाए तो कोई कमी नहीं होगी, वैसे भी 1 महीने बाद मानसून दस्तक देने वाला है, तो ऐसे में क्षेत्रवासियों ने बताया कि पानी की आपूर्ति जल्दी हो। हम आए हैं पानी की समस्या के लिए, बिसरपुर में इतना पानी भरा हुआ है कि अजमेर वाले 24 घंटे भी पानी देवे तो कमी नहीं रहेगी, और वैसे भी 1 महीने बाद मानसून आने वाला ही है, तो पानी इससे पानी ढोलेंगे, वो बाहर बहाएंगे, तो बड़े पब्लिक को राहत मिले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इससे पब्लिक को खुश होगी। जो समस्या रोज अनुभव करते कि पानी के लिए हर देखते कभी किस कॉलोनी में, कभी किस कॉलोनी में लोग हाय करते हैं, ये समस्या से निजात मिल जाएगा। प्रशासन यही हम अनुरोध करते हैं कि पानी की रोज़ 24 घंटे पानी देवे हमको अजमेर वासियों के लिए। स्वर्गीय श्री कृष्ण मोटवानी जी ने अजमेर के लिए ही बनाया था बिसलपुर पानी, लेकिन पूर्व सरकार ने जयपुर टॉक सब्जी पानी दे दिया, इससे अजमेर की समस्या। अजमेर मंडल के द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया, 16 सूत्री मांगों से सरकार को अवगत कराया। अध्यक्ष मोहन चेलानी ने जानकारी देते हुए बताया, गत 2 माह से कोविड-19 के दौरान अजमेर मंडल के सभी रेल कर्मचारियों ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निवारण किया है, मालगाड़ियों का सफल संचालन करके लॉकडाउन अवधि में देशवासियों को खाद्य सामग्री, दवाइयां, पेट्रोलियम आदि की आपूर्ति की है, कार्य के दौरान परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन की परवाह किए बिना कर्तव्य का, विश्व भर में कोरोना वायरस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन रेल मंत्रालय भारत सरकार ने इस अवधि के दौरान अनेक आदेश जारी करके सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने का कार्य किया है। जो कर्मचारी प्रोत्साहन के हकदार हैं उनका महंगाई भत्ता फ्री करके भत्ते पर रोक लगाने, श्रम कानून को परिवर्तन, 12 घंटे ड्यूटी बाध्यता के, कोविड-19 के जारी नीति आदेश की अवहेलना करके कर्मचारियों से कार्य करवाने,
जैसे निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों में तनाव बढ़ा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन ने निम्न मांगों के लिए 1 से 6 जून 2020 तक जागरूकता सप्ताह बनाया था और आज विरोध दिवस के रूप में आयोजन किया गया। जल्द से जल्द सरकार हमारी मांगे पूरी करे। पिछले 3 महीनों से सब पूरे भारतीय रेलवे में जब कोविड का ऐसा संकट पूरे देश में विश्व में था, तब रेल कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार को छोड़ करके वो भारतीय रेल का संचालन सुचारू रूप से करने का काम किया। मालगाड़ियों का संचालन किया, पार्सल ट्रेन का संचालन किया, दूसरी जो आवश्यक रेल संचालन का काम था एमरजेंसी के रूप में उसको करने का काम किया, श्रमिक स्पेशल चलाने का कार्य किया। और इस दौरान भारत सरकार ने इस कोविड-19 का जो माहौल था इसका लाभ लेते हुए ऐसे अनेक निर्णय लेने का काम किया जिससे रेल कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित होने का काम हुआ है। उन्होंने अगले 1.5 साल का महंगाई भत्ता जो उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर बढ़ता है, एक एग्रीमेंट है भारत सरकार से, उसे अगले 18 महीने के लिए रोकने का काम कर दिया, फ्रीज करने का काम कर दिया। श्रम कानूनों के तहत नए नए बदलाव करके जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स हैं उन राइट्स को रोकने का काम कर रहे हैं। मल्टी स्किलिंग और दूसरे नए नए नाम लेकर के और रेल कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात की जा रही है। जो माहौल इस संकट की घड़ी में है उसमें आवश्यकता है रेल कर्मचारियों के उत्साहवर्धन की, उनको प्रोत्साहन देने की, उसके उलट उनको एक तरह से दंडित करके और हतोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने 1 जून से 6 जून तक जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया और आज 8 जून को विरोध दिवस के रूप में पूरे देश भर में तमाम रेल कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रकट करके और भारत सरकार को चेताने का काम किया है कि जो निर्णय आपने किए हैं इन्हें वापस सुधारने का काम किया जाए, इन निर्णयों को वापस लेने का किए जाने के बाद पेयजल आपूर्ति दिए जाने के संबंध में पानी की समस्या को लेकर सब धर्म के लोग कलेक्टर पहुंचे, प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, बोला कि बिसलपुर में बहुत पानी है, 24 घंटे भी पानी दिया जाए तो कोई कमी नहीं होगी, वैसे भी 1 महीने बाद मानसून दस्तक देने वाला है, तो ऐसे में क्षेत्रवासियों ने बताया कि पानी की आपूर्ति जल्दी हो। हम आए हैं पानी की समस्या के लिए, बिसलपुर में इतना पानी भरा हुआ है कि अजमेर वाले 24 घंटे भी पानी देवे तो कमी नहीं रहेगी, और वैसे भी 1 महीने बाद मानसून आने वाला ही है तो पानी इससे पानी ढोलेंगे, वो पानी बहाएंगे, उससे बड़े पब्लिक को राहत मिले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इससे पब्लिक को खुश होगी। जो समस्या रोज अनुरोध करते हैं कि पानी के लिए हर देखते कभी किस कॉलोनी में लोबर हाये करते हैं, ये समस्या है, निजात मिल जाएगा। प्रशासन यही हम अनुरोध करते हैं कि पानी की रोज़ 24 घंटे पानी देवे हमको अजमेर वासियों के लिए। स्वयं श्री कृष्ण मोटवानी जी ने अजमेर के लिए ही बनाया था बिसलपुर पानी, लेकिन पूर्व सरकार ने जयपुर टॉक सब जगह पानी दे दिया, इससे अजमेर की समस्या ज़्यादा हो गई है। हम ये मांग करते हैं कि अजमेर में पानी 24 घंटे देने के। 65 वर्षीय महिला नया बाजार निवासी थी। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 65 वर्षीय महिला नया बाजार अजमेर निवासी महिला की निमोनिया से मृत्यु हो गई है। शक की बुनियाद पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में लाकर कोरोना टेस्ट किया गया जो कि पॉजिटिव आया। उसके बाद समस्त एहतियात बरतते हुए अंतिम संस्कार किया गया तथा सैंपलिंग टीम ने इलाके का सघन दौरा कर जानकारी एकत्रित की तथा संभावित संपर्क वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर CMHO तथा जिला कलेक्टर कार्यालय प्रेषित किया। कल से जो हमारे पास में पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उनमें से 3 पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं। कुल मिला के 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसमें 3 पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हुए हैं। इसमें एक महिला है जो दरगाह बाज़ार गेट नंबर 6 के पास कोई चिल्ली ग्रांड चौक कोई मोहल्ला है चिलगोजी मोहल्ला, वहाँ की निवासी हैं और पिछले काफ़ी दिनों से बीमार थी। अब वो जब भर्ती हुए तो उनको शक के बिना उनका टेस्ट करा तो कोरोना पॉजिटिव आया, कोरोना पॉजिटिव वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा एक बाल अपचारी कोर्ट के आदेश से, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक कैदी का जो कि या तो जज के सामने पेश होना है या जेल में जाना है उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव करना आवश्यक है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनको भी हमारे यहाँ भर्ती किया है। इसके अलावा एक पेशेंट जो जवाजा ब्यावर निवासी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ब्यावर से उनको यहाँ शिफ्ट किया है। तो 3 पेशेंट हमारे यहाँ जेल में भर्ती हुए हैं। एक पेशेंट केकड़ी का भी पॉजिटिव आया है लेकिन वो चूँकि ठीक रहे होंगे, हमारे पास जानकारी नहीं है, ठीक रहे होंगे इसलिए उनका केकड़ी में ही इलाज चल रहा है।
एक पेशेंट कल रात को हमारे पास में एक शव आया, शव से मतलब ये मोहल्ला वो खटोला पोल नया बाज़ार निवासी एक महिला थी जिनको निमोनिया के लिए काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था, तो जानकारी हमको मिली। उसमें वो अल्टीमेटली वो जीवित नहीं रह पाई, शांत हो गई। शक के बिना पे उनको रिलेटिव उनको यहाँ अस्पताल लेकर आए, उनके शव को उसका टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव आया। तो उसके आधार पर उनका फिर नया जो कि नया बाज़ार खटोला पोल एक नया मोहल्ला था कोरोना के लिए, इसलिए आज सुबह सुबह हमारी जो JLN की रैपिड रिस्पांस टीम वहां गई पूरे एरिया का और उनके सारे कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, उसकी लिस्ट हमने CMHO को और कलेक्टर कार्यालय को दे दी है। अब वो फिर उसके बाद जो जो आवश्यक होगा उनकी सैम्पलिंग करेंगे। और अभी इस वक्त हमारे पास में कोरोना पॉजिटिव वार्ड में कुल मिला के 7 पेशेंट भर्ती हैं। ग्राम हो रहा है अपेक्षा का शिकार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ज्ञापन लेकर पहुंचे दोराई निवासी। अजमेर जिले के दोराई क्षेत्र वासी आज राजस्थान आवासीय मंडल कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाउसिंग बोर्ड द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में हो रही दोराई गांव की अपेक्षा हेतु ज्ञापन दिया। ग्राम वासियों का कहना है कि हालांकि दोराई ग्राम राजस्थान आवासीय मंडल के तहत आता है, परंतु ये सोचकर ग्राम पंचायत दोराई सड़कों की और अन्य विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देती है और न ही आवासीय मंडल इस विषय पर कोई कार्य करता है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और ग्राम पंचायत दोराई के बीच सैकड़ों दोराई क्षेत्रवासी पिस रहे हैं, जिनको बिना मूलभूत सुविधाएं के जीवन यापन करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने कहा है कि हाउसिंग बोर्ड के ये हालात हैं कि वहाँ पर जंगल जैसा माहौल है, भू माफियाओं की अक्सर उन जमीन पर नजर बनी रहती है, जिस वजह से वह अक्सर क्षेत्र में व्यस्त भू माफियाओं का कब्जा होता है, जिसकी शिकायत लेकर आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुँचे। आज हम लोगों ने दोराई हाउसिंग बोर्ड जो है कंचनगर उसकी समस्या को लेकर आवासन मंडल के जो अभियंता मुख्य अभियंता है उनसे मिले हैं। वर्षों से आप देखिए कि दोराई जो कंचनगर है, दोराई का ग्राम पंचायत दोराई का हाउसिंग बोर्ड का जो एरिया है उसकी अनदेखी होती है। ये ना तो ग्राम पंचायत उसमें काम करा सकता है और ना ये लोग करवाते हैं। वर्षों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, वहाँ के निवासियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम कब बहुत लंबे समय से बार बार यहाँ आकर ज्ञापन देते हैं, उसी के तहत आज हमने वापस यहाँ इनको ज्ञापन दिया है और मांग की है कि यहाँ जल्द से जल्द जो सड़कें हैं उनका निर्माण जीर्णोद्धार कराया जाए, यहाँ पर सीवरेज डलवाई जाए और जो पार्क है, जो बहुमूल्य जमीन है जिसके ऊपर भूमापियों की काफ़ी नज़र गड़ी हुई है, उन पार्कों को सुव्यवस्थित करवाया जाए और लाइटिंग की जो है वो व्यवस्था करवाया जाए। उसमें से दो मांगों को हमारा उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि भाई आने वाले 20 तारीख से पहले पहले आपके सड़क का और सीवरेज का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा और हम 21 तारीख को वहाँ आकर जो आपके जो पार्क है उसके संज्ञान लेंगे और वो उनको भी ठीक कराएंगे। जो आप मिले हैं उनके जो संतुष्ट है आप लोग? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। अभी ये केवल लॉकडाउन लगने की वजह से 2 महीने हम बीच में उनसे मिलने में थोड़ी दूरियाँ रही और हम आगे भी अगर वो हमारी मांग को नहीं मानते तो हम आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि हम क्षेत्रवासी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, विशेष तौर से बारिश के मौसम में ना लाइट है ना रोड है तो, और हाउसिंग बोर्ड का एरिया है जबकि हमने पूरा पूरा जो हाउसिंग बोर्ड के नियम होते हैं उन नियमावली के तहत वो मकान खरीदे थे। रोडों की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है, आप आके देखिए। और जो पार्क है उन पार्कों की भी इतनी मतलब इतनी बहुमूल्य जमीन है, उसके बावजूद उनके ऊपर घना जंगल है और जो आसपास के जो भूमापिया लोग हैं उनकी नज़रें उन पर हमेशा गड़ी रहती है कि ये तो जितना जर्जर अवस्था है उससे भी ज़्यादा जर्जर अवस्था में जाए तो कुछ ना कुछ वो कबाड़ा कर ले। प्लाजा सिनेमा के पास कपड़े और बर्तन की रेडी लगाने वाले पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, मांगी वापस अपनी जगह बैठकर काम करने की अनुमति। अजमेर के प्लाजा सिनेमा के पास कपड़े और बर्तन की रेडी लगाने वाले आज अजमेर जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा से मिले। लॉकडाउन के दौरान लंबे अरसे से आर्थिक दश भोग रहे पीड़ित वर्ग ने जिला कलेक्टर से पुनः अपने काम पर वापस आकर रेडी लगाने हेतु अनुमति मांगी है। पीड़ित राजू ने मीडिया को बताया कि और कहा, लॉकडाउन के बाद उनके जैसे सैकड़ों लोग आर्थिक संकट और भूखमरी झेलने को मजबूर है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा दिए गए राशन पे अपना काम थोड़े दिन चला लिया। भामाशाह ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि अजमेर के पुलिस कर्मियों की तारीफ करते हुए राजू ने कहा है कि पुलिस वालों ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा है और सैकड़ों बार खाद्य सामग्री वितरित करवाई है, जिसके लिए वे पुलिस के बहुत आभारी हैं। परंतु अब लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें अपनी जगह पर वापस बैठकर सुचारू रूप से काम करने नहीं दे रही। इस बात का हल निकालने वे आज कलेक्ट्रेट कार्यालय अपनी व्यर्थ जिला कलेक्टर से कहने के लिए एकत्रित हुए। बर्तन फेरी करके पुराने कपड़े बेचते हैं हम पड़ाव पे, हमारा सालों से यही धंधा है और हमारा रोजगार भी यही है सिर्फ।
अभी 3 महीने लॉकडाउन होने की वजह से हम बर्बादी के कंगार पे आ गए हैं। ना हमारे पास ना हमारे पास रोजगार है, ना ही कुछ है। हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। हम खुद किराए पे रहते हैं। एक बाप का मकान होता है लेकिन बच्चे 3 होते हैं, इसलिए किराए पे चले गया। अभी हम किराए भी नहीं भर सक रहे, बच्चों को खिला भी नहीं सक रहे। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि जहाँ हम रात दिन फुटपाथ पे लगाते थे ना, 50-60 साल पुराने हम, हमारे माँ बाप थे, तो उनकी जो जमीन थी बैठते थे चबूतरी पे, हम वहीं बैठते हैं आज। अब पुलिस वाले आ रहे हैं कि परमिशन लेके आओ। अभी हम लॉकडाउन में 3-3 महीने से यहाँ पर किस लिए आए हैं? अभी हम परमिशन लेने आए थे तो अंदर परमिशन दे दी हमारी समस्या। तो अभी हम 3-3 महीने कलेक्टर साहब ने अभी तो बोले कि जाओ, ऐसे कह के भेज दिया हमारे को। तो अभी हमारी समस्या ये हो रही है कि हम बच्चों को क्या खिलाए। 3-3 महीने से जमा पूंजी थी वो भी चली गई, दुकानें हटा दी जा रही है। कर्जा लेके भी खाया, उधार सुधार लेके भी खाया, लेकिन अब सरकार ने जो हमको आटा दिया, दाल दी है, वो जब तक खाया हमने। बाकी हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने कर्जा लेके भी खाया, उधार लेके भी खाया, हमारी बीवियों ने मांग के भी खाया, और पुलिस वालों ने खुद हमारी सहायता है की। उसरी गेट चौकी का एक इंचार्ज है हेमंत पुलिस वाला करके सर, तो उन्होंने भी हर परिवार की मदद। ब्रेन ट्यूमर, इस बीमारी का पूरे देश में प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं बढ़ते हुए आंकड़े पूरे देश में काफी चिंताजनक है। इस बीमारी से मरीज को राहत देने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। जहां अजमेर के 45 वर्षीय मरीज को ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा मिला है। अजमेर के न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी ने इस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी अधिकतर छोटे बच्चों में बढ़ रही है। लगातार मौत होने के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने अब तक 3 साल में 200 से अधिक ब्रेन ट्यूमर के सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए हैं, जिसमें अधिकतर मरीजों को इस बीमारी से फिर से शिकायत नहीं हुई है। वहीं चौधरी ने कहा है कि इस बीमारी के बाद स्वस्थ होना मरीज के ऊपर सरवाइव करने पर है। वहीं मरीज की इम्यूनिटी पावर ही उसे जल्द से जल्द स्वस्थ करती है। न्यूरो सर्जन द्वारा ब्रेन ट्यूमर डे पर 45 वर्षीय मरीज को राहत प्रदान की। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से ऑपरेशन चल रहे हैं। मरीज के दिमाग में 10 से 12 सेमी की एक गांठ थी, जिसका सफल ऑपरेशन किया गया। इस बीमारी का पूरे देश में प्रकोप बढ़ रहा है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं इनके बारे में कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। दिमाग में जो ट्यूमर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम कैंसर की श्रेणी में नहीं मानते हैं इन लेमन लैंग्वेज में। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिनको हम कैंसर मानते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर है उनका अगर हमें समय पर पता चल जाए तो पूरा इलाज संभव है और मरीज अपनी लगभग लगभग पूरी ज़िंदगी जी सकता है बिना किसी न्यूरोलॉजिकली इम्पेयरमेंट के। दूसरी बात आती है कि किसी भी आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, या उसको कब हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें जो नॉर्मली जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि पेशेंट को सुबह उठने पे जी खराब होता है, उल्टी होना, सिर दर्द होना, मरीज को दौरे आना, जी घबराना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आना, ये सब होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करती है कि दिमाग के किस हिस्से में ट्यूमर है। जैसे किसी की आँखों की रोशनी चली गई तो वो भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। किसी के दिमाग में पानी भर गया, एक हिस्से में चलना फिरना बंद हो गया, एक हाथ पैर का, तो लोग जनरली मानते हैं कि एक हाथ पैर चलना बंद हो गया तो वो लकवा है, और लोग अंधविश्वास में पड़ के बाबाजियों के चक्कर काटते हैं। जबकि जब सीटी स्कैन कराते हैं तो पता चलता है कि वो लकवा नहीं है, वो तो गांठ, दिमाग में जो गांठ है उसकी वजह से एक हाथ पैर का चलना बंद हो गया है। तो अगर किसी मरीज को ये लक्षण पाए जाते हैं तो अब आता है कि वो कौन सी जांच कराए या कहाँ जाए या किसको दिखाएं। तो आप न्यूरोसर्जन के पास जाएं, जो भी शहर में न्यूरोसर्जन हैं, जो भी इस तरह की गांठ का इलाज, ब्रेन ट्यूमर का इलाज करते हैं। जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है सीटी स्कैन ब्रेन का। तो सीटी स्कैन से हमें ये पता चल जाता है कि दिमाग के कौन से हिस्से में गांठ है या नहीं है, या लकवा होने की कोई दूसरी वजह है। सीटी स्कैन के बाद हमें अगर उसके बारे में और जानकारी चाहिए होती है तो हम उस पेशेंट की एमआरआई कराते हैं ब्रेन की,
एंजियोग्राफी कराते हैं ताकि उससे ये पता चल सकता है कि जो गांठ है वो बहुत ज़्यादा खून निकलने वाली है या नॉर्मल गांठ है या कैसी है, या एमआरआई में ये पता चल जाता है कि वो दिमाग के किस हिस्से में है। हम बहुत सारे गांठ ऐसी होती है दिमाग के जिनको हमें सिर के ऊपर से खोल के करना पड़ता है। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जिनको हम नाक के द्वारा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अजमेर में इससे पहले कभी संभव नहीं थे पिट्यूटरी एडिनोमा ट्यूमर का ऑपरेशन किए हैं। अभी तक मैं 10 से 15 ऑपरेशन ऐसे कर चुका हूँ जो नाक से दूरबीन के रास्ते से किए हैं। उनमें कई पेशेंट, जैसे कोटा से भी एक पेशेंट था मेरा, एक पेशेंट चूरू से था, क्योंकि वहाँ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है दूरबीन से ट्यूमर के ऑपरेशन करने की, तो उन्होंने आके यहाँ से ये ट्यूमर ऑपरेशन कराए हैं मुझसे। थर्ड चीज़ होती है कि इसमें अब जांच से अगर मैं पता चल गया कि इस पेशेंट को ट्यूमर है, उसके बाद क्या इलाज संभव है। तो जो बिनाइन ट्यूमर है उनमें इलाज सर्जरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। पेशेंट को सर्जरी से कंप्लीट जो दिमाग पे गांठ की वजह से दबाव होता है वो तुरंत हट जाता है, तो दबाव की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो इमिडिएटली पेशेंट को ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हम जो गांठ आती है उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, जिस जहाँ से हमें पता चलता है कि गांठ कौन सी स्टेज की है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है या बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली है। कुछ केसेज में जिसमें गांठ ऐसा लगती है कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली होती है, उसमें हमें ऑपरेशन के बाद में मरीज को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। मैंने जो कई पेशेंट को ऑपरेट किया, तो हमारे यहाँ जेएलएन में भी रेडियोथेरेपी की सुविधा है जिसमें कि कोई स्पेशल चार्ज नहीं है, तो वहाँ से मेरे कई पेशेंट रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कराते हैं जिसका अच्छा रिजल्ट है और पेशेंट को बाहर कहीं और नहीं जाना पड़ता है। तो जैसे अभी मैं एवरेज एक महीने में 5 से 10 ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करता हूँ, तो ब्रेन ट्यूमर का प्रेवलेंस भी अभी बढ़ गया है कंपेयर टू बैक। बट अब इसमें आता है कि बच्चों में और बड़ों में, तो बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर के चांसेस प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है। तो एडल्ट पेशेंट में ऊपर वाले हिस्से में ट्यूमर ज़्यादा होते हैं, बच्चों में दिमाग के नीचे वाले हिस्से में ट्यूमर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।